अलीगढ़ में कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मलखान सिंह जिला अस्पताल में इलाज कराने आए लोग खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा उड़ा रहे हैं। पर्ची बनने से लेकर दवाई वितरित कर जमकर धज्जा उड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लापरवाह बने हुए हैं। दरअसल कोरोना महामारी के बीच अलीगढ़ में लगातार मौत और संक्रमित मरीजों की संख्या भले ही बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। दुनिया से कोरोना से बचाव के सुझाव देने वाले स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दूर दराज से चलकर जिला अस्पताल में दवा लेने पहुंच रहे लोग एक दूसरे के करीब खड़े नजर आए। ज्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क नहीं थे। हालात अगर यही स्वास्थ्य विभाग के रहे तो निश्चित तौर पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आएगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जिला अस्पताल में जारी कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कब तक और क्या कार्यवाही होगी। सीएमओ ने जानकारी देते हुए कहा है कि लोगों की भीड़ आई थी और इसके लिए पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस सोशल डिस्टेंस का पालन कराएगी। देखिए अलीगढ़ से आशीष कुमार की रिपोर्ट। अंतिम चिकित्सालय में सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो मरीज है या की माता है उनकी पानी की समस्या। दूसरी समस्या हमारा डिजिटल मशीन पर लेट नहीं है और एक करीब 4 घंटे से मशीन फॉल्ट होने के कारण 4 घंटे से खराब पड़ी। इससे टीमदार परेशान है, मगर दूर दराज से COVID-19 दीनदयाल बनने के बाद जिला मलखान सिंह चिकित्सालय में मरीजों का दौर बना है। डिस्टेंसिंग का पालन जो अनिवार्य रूप से है उसको नहीं किया जा रहा है और ना ही या कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे आम जनता को डिस्टेंसिंग पावर के लिए लगाया गया हो। मैं मांग कर रहा हूँ कि इस महामारी बीमारी से बचाने के लिए यहाँ दवा जब भर रहे या तो 2 भागों में बांट दिया जाए, इससे भीड़ कम होगी। काउंटर 2 हैं और भीड़ अनाप आती है, इसलिए मैं निवेदन है जिला प्रशासन के अधिकारियों से और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इस गंभीर समस्या का निराकरण करें।